रेगुलर लेक्चर के अंदर जो है डिफरेंशिएशन है वो काफ़ी स्टार्ट हो चुका है। उसके अंदर जो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ अपना डिफरेंशिएशन है वो हो गया है, कुछ एग्जांपल करवा दिए हैं एंड वी हैव रीच टिल प्रोडक्ट रूल। हाँ, लेकिन काफ़ी बच्चों को थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हुई, फ्यू ऑफ यू हैव ज्वाइन लेट, सो वी आर हैविंग जस्ट कवर अप सेशन सो दैट इन द फर्दर लेक्चर यू विल बी एन कनेक्टेड कि भाई हो क्या रहा है बाकी लेक्चर्स के अंदर, बाकी बच्चों को समझ में आ रहा है, हमें समझ में क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इन द माई प्रीवियस रिविजन लेक्चर आई टॉट यू दैट स्लोप ऑफ लाइन और समथिंग, राइट। आज वी विल स्टार्ट फ्रॉम ए न्यू थिंग दैट यू कैन से द टॉपिक इज बेसिकली फ्रॉम मैथ्स, बट वी नीड मैथ्स ना, डिफरेंशिएशन इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, बट वी आर स्टडिंग बिकॉज वी नीड दैट पर्टिकुलर टॉपिक इन फिजिक्स। सो आज एक चीज हम बताते हैं जिसको हम बोलते हैं फंक्शन। ओके, सो हु विल टेल मी व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन क्या होता है बताओ, राइट डाउन इन योर चैट विंडो, आई कैन सी व्हाट इज फंक्शन, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। और अगर थोड़ा सा और डिटेल में जाऊं और उसके अंदर जाऊं थोड़ा सा, तो फंक्शन पे मैं बाद में आता हूं, पहले मैं बोलता हूं ना वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल्स जो तुम लिखते हो ना एक्स वाई जेड, ये सब हमारे पास एंड वेरिएबल्स हैं। ओके, सो अमृत झा, थिंग्स वी आर असाइन टू डू, वो क्या है ना, वेरिएबल्स और फंक्शंस। इट कैन हैव एनी वैल्यू, यस, विच डज नॉट हैव अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑल ओवर। ठीक है, तो हमारे पास में इफ मैं होल सिस्टम, होल मैथ्स को अगर डिवाइड करूं तो आई हैव टू थिंग्स, वन इज वेरिएबल, वन इज कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू थ्रू आउट सेम रहती है, जैसे जी, क्या वैल्यू होता है जी का, वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है। वैसे ही हमारा ना ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। नंबर्स, जैसे एक नंबर है 5, जैसे कहीं पे मैंने लिखा हुआ है 5, ये कांस्टेंट है। दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर विल ऑलवेज विल रिप्रेजेंटेड एट 5, 1, 2, 3, 4, 5 वाला। वेरिएबल्स जो होते हैं, वेरिएबल्स का मतलब होता है विच कैन हैव एनी वैल्यू, जैसे कि एक्स वाई जेड एटसेट्रा, कुछ भी ले सकते हैं वैल्यू में, आई डोंट नो। जैसे अगर मैं तुमको इक्वेशन दूं एक, तो सपोज मैंने बोला x प्लस 4 इक्वल टू 6, तो यहां पे हमारे पास में x का वैल्यू कितना आ गया, 2। अगर थोड़ी देर बाद में इफ आई गिव यू वन मोर क्वेश्चन, मैंने तुमको बोला y प्लस 6 इक्वल टू 7, तुमने बोल दिया y इक्वल टू 1। और अगर मैंने बोला कि x स्क्वायर इक्वल टू 1, तो तुमने बोल दिया x इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो x की वैल्यू थोड़ी देर पहले कितनी थी, 2, x की वैल्यू थोड़ी देर बाद में कितनी हो गई, प्लस माइनस 1। सो दीज थिंग्स आर कॉल वेरिएबल्स विच कैन हैव एनी वैल्यू इन डिफरेंट क्वेश्चन और डिफरेंट यू कैन से सिनारियो। बट ये 5 जो है, 5, ये हमेशा 5 ही रहेगा, चाहे उसको ना फिजिक्स में पढ़ो, चाहे मैथमेटिक्स में पढ़ो, चाहे केमिस्ट्री में पढ़ो, इट विल ऑलवेज बी 5। ओके, तो अब हमने क्या किया, हम कॉन्स्टेंट्स को पढ़ने की तो है नहीं जरूरत, वो तो हमको पता ही है क्या होता है। कम टू द वेरिएबल, वेरिएबल को भी वी हैव सेपरेटेड इनटू 2 पार्ट्स। इस वेरिएबल को 2 पार्ट में ये कर दिया, डिवाइड कर दिया। एक मैंने बोला डिपेंडेंट, और आई कैन से तो पहले करते इंडिपेंडेंट, फिर हमने कर दिया डिपेंडेंट। ओके, इंडिपेंडेंट जो वर्ड है वो तो इंग्लिश का वर्ड है, क्या मतलब होता है इंडिपेंडेंट का, व्हाट इज इंडिपेंडेंट? मतलब एक ऐसा है वेरिएबल जो कि वैल्यू अपने हिसाब से कुछ भी ले सकता है, आजाद, यस, ये आजाद है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। बट जो इंडिपेंडेंट है, दिस इज वेरिएबल वैल्यू विल चेंज, बट ये अपनी वैल्यू को डिसाइड नहीं करेगा। जैसे अगर मैं तुमको एक फंक्शन दे दूं, मैंने बोला y इक्वल टू x प्लस 2,
ये मैंने तुमको इक्वेशन दे दिया, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है तुमको याद हो तो। इसमें देखो आई कैन चेंज द वैल्यू ऑफ एक्स, राइट। सपोज अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ, ये मेरे पास में एक्स एक्सिस, ये मेरे पास में वाई एक्सिस। व्हेन एक्स इज जीरो, द वैल्यू ऑफ एक्स इज जीरो, तो वाई का वैल्यू क्या आएगा? टू। जब एक्स का वैल्यू जीरो है तो वाई की वैल्यू टू, मतलब कि ये वाला पॉइंट। जब एक्स की वैल्यू वन है तो वाई की वैल्यू थ्री, जब एक्स की वैल्यू वन है तो वाई का वैल्यू थ्री। तो ये जो फंक्शन है ये कुछ ऐसा बन गया, ये इसके अंदर x भी चेंज हो रहा है और y भी चेंज हो रहा है, दिख रहा है ना सबको? x इज ऑल्सो चेंजिंग, y इज ऑल्सो चेंजिंग। देखो ये लो, यहाँ पे x भी चेंज हुआ, जब मैंने x को चेंज किया तो y भी चेंज हो गया, इस पॉइंट पे x भी चेंज हो रहा है, y भी चेंज हो रहा है, सब लोग चेंज हो रहे हैं, x भी चेंज हो रहा है, y भी चेंज हो रहा है। बट इफ यू सी क्लोजली, इफ यू विल गो इन टू डिटेल्स, x की वैल्यू अपने आप तुम कुछ भी ले सकते हो। तुमने x की वैल्यू को ले लिया 5, तो y की वैल्यू 7 आएगी, 7 इज द वेरिएबल, क्योंकि कभी 7 है कभी 8 है, लेकिन उसकी वैल्यू को डिसाइड कौन कर रहा है? ये x। तो अगर इस क्वेश्चन में अगर मैं देखूं तो इंडिपेंडेंट जो मेरा वेरिएबल है वो तो क्या बन गया? x। और ये जो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है ये क्या बन गया है? y। बोथ आर वेरिएबल्स बट देयर इज अ डिफरेंस, x कैन टेक एनी वैल्यू, ठीक है, कुछ भी ले सकता है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में कुछ भी ले लेगा, लेकिन जो y है वो कंप्लीटली x पे डिपेंडेंट है। x की वैल्यू जितनी होएगी उसी के अकॉर्डिंग ही विल टेक, बट द वैल्यू इज वेरिएबल। तो ये जो चीज है, ये वेरिएबल वाला पार्ट है, इन्हीं चीजों को थोड़ा और जाके हमारे पास में एक चीज आती है, फंक्शन। नाउ हु विल टेल मी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, सिंपल वर्ड में, कोई कॉम्प्लिकेटेड हमको इंग्लिश वाला डेफिनेशन नहीं चाहिए, सिंपल लैंग्वेज में क्या होता है? सिंपलेस्ट फॉर्म, थिंग्स वी आर असाइंड टू डू, नहीं अमृत, आई डोंट थिंक दिस इज द डेफिनेशन, ओके अदर्स? Anu sir, can you show me the list of students so that I can call? Advik uses, okay, if I take y minus 2 equal to x, then x is dependent and y is independent. Yes, Vedant, perfectly, right. अगर इसी इक्वेशन को मैं चेंज कर दूं, अगर मैं लिखूं x इक्वल टू y माइनस टू, देन x इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, y इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ओके। और कौन है? मनन, ऋत्विक बोल रहे सेट ऑफ रिलेशन बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट, ओके बेटा, रिलेशन इज अ डिफरेंट एंड फंक्शन इज अ डिफरेंट, फंक्शन और एन रिलेशन में एक छोटा सा डिफरेंस है जो कि अभी बताऊंगा, बट यू आर गोइंग गुड, आई लाइक द कॉन्फिडेंस। अनन्या, द यूज ऑफ स्पेसिफिक टर्म, यस द यूज ऑफ ए स्पेसिफिक टर्म, यस ओके, फंक्शन इज डिपेंडेंट, ओके। नहीं बेटा, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट जो होते हैं वो ना वेरिएबल्स होते हैं, ये जो है ना वेरिएबल्स हैं ये अपने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट हैं। फंक्शन इज जस्ट ऑपरेशन, फंक्शन का मतलब क्या होता है? ऑपरेशन। तो जो तुम्हारे प्रॉपर जो होती है डेफिनेशन, दैट यू विल गेट इनटू योर बुक्स, आई विल टेल यू द यू नो शॉर्ट फॉर्म ऑफ दैट थिंग। फंक्शन इज एन ऑपरेशन, और ऑपरेशन भी किसके ऊपर? नंबर्स पे। तो फंक्शन इज लाइक ए ब्लैक बॉक्स, सपोज वी आर हैविंग वन ब्लैक बॉक्स, इस ब्लैक बॉक्स को मैंने कुछ दिया, ये इनपुट दिया, इस ब्लैक बॉक्स को कुछ मैंने इनपुट दिया और इसने कुछ हमें आउटपुट दे दिया, हम इसको इनपुट देंगे ये हमको आउटपुट देगा।
तो ये जो ब्लैक बॉक्स है, जो ब्लैक बॉक्स के अंदर चीजें हो रही हैं, दैट इज माई फंक्शन। फंक्शन का मतलब है कि तुमने कुछ ऑपरेशंस करना है उन इनपुट्स पे, सो दैट आई कैन गेट आउटपुट। जैसे सपोज मेरे पास में एक एंड ब्लैक बॉक्स है, ये इसको मैं इनपुट दे रहा हूं, ठीक है। इसको सपोज मैंने पहला इनपुट दिया 1 और इसका जो आउटपुट है सपोज आ गया 1। सपोज इसको मैंने इनपुट दिया 2, इसका आउटपुट आ गया 4। सपोज इसको मैंने इनपुट दिया 3, इसका आउटपुट आ गया 9। तो बताओ ये जो तुम्हारा ब्लैक बॉक्स है ये क्या कर रहा है, ये ब्लैक बॉक्स क्या कर रहा है कि जो भी तुम इसको इनपुट दे रहे हो वो उसको स्क्वायर करके मुझे आउटपुट दे रहा है। तो स्क्वायर क्या बन गया, स्क्वायर इज द फंक्शन। मतलब कि ये जो ब्लैक बॉक्स है ना, ये सिर्फ क्या कर रहा है, स्क्वायर कर रहा है। मतलब इसको जो भी इनपुट दोगे ये उस इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर देगा विद सम काइंड ऑफ एन मैकेनिज्म, और वो जो मैकेनिज्म है वो यहां पे स्क्वायर है। तो यही चीज को, इसी चीज को इफ आई टॉक इन टर्म्स ऑफ सिंबल, क्योंकि हम जब पूरा मैथ्स और फिजिक्स जब पढ़ते हैं तो सारी चीजें जो होती हैं वो सिंबल्स में लेते हैं ना, एक्स वाई जेड। भाई अगर कोई तुम्हें बोले कि द एज ऑफ राम इज 17 ईयर्स ओल्ड, तो उसको एक्स लिख दो डायरेक्टली, एक्स इक्वल टू 17, बिकॉज वी वॉन्ट टू फॉर्मुलेट ऑल द थिंग्स इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। तो सिंबल जो मैं फंक्शन के लिए काम में लेता हूं, दैट इज एफ। ये मेरे पास में सिंबल है एफ। ये फंक्शन, इस फंक्शन को क्या करना है, ऑपरेशन करना है। ऑपरेशन किसके ऊपर करेगा, जो मैं इसको इनपुट दूंगा। इसको मैंने इनपुट दे दिया सपोज एक्स, वेयर एक्स इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक्स इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मैं एक फंक्शन को इनपुट दे रहा हूं। मैंने यहां पे इनपुट क्या दिया, 1, मेरी मर्जी है, आई कैन गिव इट एनीवन, एनीथिंग, 1, 2, 3, 4, 5, एनीथिंग, वॉट एवर आई वॉन्ट आई विल गिव द इनपुट। तो जो भी इसका इनपुट है वो इनपुट क्या बन गया मेरा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए। तो फंक्शन जो होता है उसको ये ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि ये एक फंक्शन है, फंक्शन मतलब ऑपरेशन। ये इसको इनपुट क्या दे रहे हो तुम, इसको इनपुट में क्या दे रहा हूं, एक्स। तो ये इस एक्स का क्या कर रहा है, अगर मैं इस वाले क्वेश्चन की बात करूं तो इसके अंदर वो क्या कर रहा है, एक्स को स्क्वायर करके मुझे आउटपुट दे रहा है। तो दिस इज माई आउटपुट। तो ये मेरा इनपुट हो गया, ये मेरा क्या बन गया, आउटपुट। तो बताओ कि फंक्शन से जो वैल्यू आएगी वो क्या है, वेरिएबल है या कॉन्स्टेंट है। आद्विक, द वैल्यू विच आई गेट आफ्टर ऑपरेटिंग दिस वेरिएबल, दैट वैल्यू विल बी व्हाट, वेरिएबल और नॉट। कॉन्स्टेंट कैसे रहेगी वेदांत, जैसे मैंने इनपुट दिया 1 तो 1 आ गया, 2 दिया तो 4 आ गया, 3 दिया तो 9 आ गया। तो ये सब मेरे आउटपुट हैं, तो मेरे आउटपुट कैसे हैं, वेरिएबल या कॉन्स्टेंट, वेरिएबल। अरे भाई पहले आउटपुट की वैल्यू 1 थी, फिर आउटपुट की वैल्यू 4 हो गई, फिर आउटपुट की वैल्यू 9 हो गई। तो आउटपुट इज वेरिएबल, बट ये जो वेरिएबल है किस पे डिपेंड कर रहा है, कि मैंने इसको इनपुट क्या दिया था। तो ये जो आउटपुट है ये मेरा क्या बन गया है, डिपेंडेंट। आउटपुट जो चीज है वो इनपुट पे डिपेंड कर रही है, बिना उसके मैं कैसे करूं, ठीक है। तो जैसे थोड़े से अपने एक तुमको एग्जांपल देता हूं। सपोज तुमको एक मैंने फंक्शन दे दिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। बताओ क्या ये फंक्शन है, हाउ विल यू डिटरमाइन दैट दिस इज ए फंक्शन। तुम फंक्शन में देखोगे कि कोई ऑपरेशन हो रहा है, यस। इसको मैंने इनपुट क्या दिया, एक्स। और इस फंक्शन ने क्या किया, सबसे पहले उसका स्क्वायर किया, उसको साइड में रखा, फिर उस वेरिएबल को 4 से मल्टीप्लाई किया,
साइड में रखा, और फिर सिक्स के सिक्स था साइड में रखा, और तीनों को कंबाइंड करके मुझे आउटपुट दे दिया। तो इसमें क्या बोल सकते हो डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? डिपेंडेंट वेरिएबल इज एक्स, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे दूं, सपोज मैंने लिखा एफ ऑफ वन, तो क्या बन जाएगा एफ ऑफ वन? इसका मतलब क्या हुआ, आई एम गिविंग इनपुट एज वन, तो क्या बन जाएगा, इस वन का स्क्वायर प्लस फोर इंटू वन प्लस सिक्स, दैट इज इलेवन। सो एफ ऑफ वन इज इलेवन। अगर मैं ऐसे ही कर दूं एफ ऑफ माइनस वन, हमारी मर्जी है x की वैल्यू, आई कैन टेक एनीथिंग, तो क्या बन जाएगा, माइनस वन का स्क्वायर प्लस फोर इंटू माइनस वन प्लस सिक्स, क्या आएगा, सेवन फोर थ्री, यस। तो देखो फंक्शन इज, ये इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल बन गया, और ये क्या बन गया मेरे पास में, डिपेंडेंट वेरिएबल। सिक्स कहां से आया, सिक्स मैंने तुमको दिया हुआ था भाई। जैसे अगर मैं तुमको बोलूं अमृत, मैं बोलूं कि मैं तुमको कोई भी इनपुट दूं, यू हैव टू गिव मी आउटपुट, कैसे, उसके अंदर सिक्स को ऐड करके। जैसे यहां पे आओ, ये क्या है, इसको तुमने इनपुट क्या दिया, एक्स, और ये जो वाई है ये क्या है, जो भी तुम इनपुट दे रहे हो उसमें टू को ऐड करके मुझे बता दो कि कहां से आए, क्या आएगा। तो अगर मैंने लिखा वाई कब, जब एक्स की वैल्यू वन है, तो कितना बन जाएगा, वन प्लस टू। वाई कब, जब एक्स की वैल्यू मान लो जीरो है, तो क्या बन जाएगा, जीरो प्लस टू। तो ऐसे कर करके आई कैन गेट एनी वैल्यू। अब किसी ने एक वर्ड काम में लिया था, रिलेशन, किसने लिया था कि फंक्शन इज द रिलेशन, कौन था, स्क्रॉल अप करना है, हाँ ऋत्विक, ओके ऋत्विक, ऋत्विक फंक्शन और जो ना रिलेशन होता है उसमें डिफरेंस होता है। देखो फंक्शन के अंदर मुझे बताओ, अगर मैंने इसको माइनस वन इनपुट दिया तो हमारे पास में आउटपुट कितने आएंगे, वन, यस। सो फंक्शन की एक और प्रॉपर्टी है, फंक्शन फॉर ए इनपुट ओनली वन आउटपुट, रिलेशन में ऐसा नहीं हो सकता। रिलेशन के अंदर एक इनपुट के लिए दो वैल्यूज भी आ सकती हैं, तीन भी आ सकती हैं, ठीक है, इसमें ऐसा नहीं होगा। जैसे अगर मैं बोलूं फादर, फादर है, यहां पे मैंने लिखा सन और यहां पे मैंने लिख दिया डॉटर, तो अगर फादर मेरा इनपुट है तो ये जो सन है इसके लिए भी फादर है, और जो डॉटर है वो उसके लिए फादर है, तो दिस इज नॉट ए फंक्शन, क्योंकि एक इनपुट के लिए मेरे पास में दो आउटपुट आ गए, इसलिए ये फंक्शन नहीं है, इसको बोलते हैं रिलेशन। फंक्शन में क्या प्रॉपर्टी है, एक इनपुट दूंगा एक ही आउटपुट आना चाहिए, ठीक है। तो ये फंक्शन, दिस इज हाउ फंक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम द यानी रिलेशन। अब फंक्शन हमारे कैसे भी हो सकते हैं, जैसे कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन भी हो सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आते हैं, जैसे कि तुमको एक फंक्शन दे दिया इक्वल टू साइन एक्स, क्या ये फंक्शन है, यस yes. मैं यहां पे एक्स की वैल्यू को चेंज करूंगा, वैल्यू चेंज होएगी। सपोज मैंने लिया एक्स इक्वल टू पाई बाई थ्री, क्या मतलब होता है पाई बाई थ्री का, कितने डिग्री, 60, तो साइन 60 कितना होता है, रूट थ्री बाई टू। अगर मैंने फंक्शन ले लिया 90 डिग्री तो क्या होता है साइन 90 डिग्री, वन। तो देखो फंक्शन है, अगर मैंने एक इनपुट दिया तो एक ही आउटपुट आया, दो आउटपुट नहीं आएंगे। सो दैट इज वाई दिस इज ए फंक्शन, ठीक है। अगर इसी फंक्शन को मुझे एक्स वाई कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे, सबसे बड़ी हमारी जो स्टोरी स्टार्ट होती है वो यहीं से होती है।
सपोज यहां पे मैंने ले लिया x, x इज माई डिपेंडेंट वेरिएबल, मैं x की वैल्यू कुछ भी ले सकता हूं। अब इसमें से कोई भी उसको ले लो ग्राफ को, सपोज मैंने इसको ले लिया ये वाला, इसमें देखो जब x की वैल्यू जीरो है तो मैं fx की वैल्यू क्या है, सपोज y एक्सिस के ऊपर हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया मैं fx को, तो यहां पे बन गया डिपेंडेंट वेरिएबल, यहां पे बन गया अपना, नहीं ये अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इसकी वैल्यू के हिसाब से इसकी वैल्यू डिसाइड होएगी। तो जब x की वैल्यू मैंने ली जीरो तो y का वैल्यू कितना आ गया, सिक्स, ये लो यहां पे। जब x की वैल्यू वन है तो y की वैल्यू इलेवन, यहां पे मैंने लिखा वन तो इसकी वैल्यू है इलेवन, इलेवन ये कितना है सिक्स। जब x की वैल्यू है माइनस वन तो हमारे पास में fx की वैल्यू कितनी आई, थ्री, तो ये माइनस वन और ये कितना बन गया थ्री, तो थ्री उससे नीचे होएगा यहां पर, ठीक है। और जब हाँ ओके, ये कभी जीरो बनेगा, तो अगर मैं इसका ग्राफ अगर बनाऊं, अगर इन पॉइंट को ज्वाइन करूं तो ये मेरे पास में बन गया ग्राफ, ये लो। तो इस टाइप से हम किसी भी फंक्शन को ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे ये जो है ना, ये वाई इक्वल टू एक्स प्लस टू, ये भी अपने आप में एक फंक्शन है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू, ये हमारे पास में एक फंक्शन है, ठीक है। अल्टीमेटली हमारा जो पर्पस होता है, हमारा पर्पस होता है कि फंक्शन को ग्राफ की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करना है, फिर हम ग्राफ को एनालाइज करते हैं कि ग्राफ के अंदर क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं होगा, कि क्या क्या चीज़ें हम फाइंड आउट कर सकते हैं, वो हमारे पास में आगे की बात है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं तुमको एक वो देता हूँ क्वेश्चन। सपोज हमारे पास में एक फंक्शन है जिसको मैंने बोल दिया एफ ऑफ वाई इक्वल टू वाई प्लस थ्री वाई स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। तो इसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, और पहली बात क्या ये फंक्शन है। अगर y की अगर कोई वैल्यू लेऊंगा तो क्या मेरे पास में एफ वाई की एक ही वैल्यू आएगी या फिर एक से ज्यादा आएंगे। सपोज तुमने हाँ श्रेया, यस आद्विक, क्यों ये फंक्शन क्यों नहीं है, आद्विक तो क्या हुआ, क्वाड्रेटिक फंक्शन हो सकता है। देखो ना यहां भी तो क्वाड्रेटिक है ना, ये भी तो यहां भी तो हमने स्क्वायर किया है, तो क्वाड्रेटिक भी फंक्शन हो सकता है, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, एक्सपोनेंट, ठीक है, पॉलिनोमियल, हर कोई हो सकता है, कंडीशन एक ही है। अगर इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल की कोई वैल्यू इनपुट में जा रही है तो आउटपुट आना चाहिए, तो यहां पे आउटपुट आएगा। मैं वाई की वैल्यू कुछ भी लूं, अगर मैंने वाई की वैल्यू ली वन तो कितना बन जाएगा फोर बाई टू टू, अगर वाई की वैल्यू मैंने ले ली जीरो तो कितना बन जाएगा जीरो जीरो खत्म हो जाएगा, ये बन गया थ्री। तो फॉर एवरी वाई आई एम गेटिंग रियल वैल्यू, रियल वैल्यू मतलब हाँ डिपेंडेंट y, ओके तो इसके अंदर हम बोलेंगे कि y इज इंडिपेंडेंट, y जो है वो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में x ही वेरिएबल हो, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, हमारी मर्जी है तुमको क्या लेना है। x हमको बोलने में अच्छा लगता है इसलिए हम x होकर ले लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि अगर हमने किसी फंक्शन से ये सब कुछ बना लिया उसके बाद क्या, उस फंक्शन का क्या करेंगे, मतलब उस फंक्शन को अगर मुझे एनालाइज करना है तो मैं क्या करूं। तो अभी स्क्रीन को हम फ्रीज करेंगे इसको इरेज करने के लिए, यू हैव नोटेड डाउन, और फिर आते हैं।
हाँ वेदांत सर, इफ एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स देन इट इज ए रिलेशन और ए फंक्शन. बेटा इट इज ए फंक्शन, बट हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि x की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन जीरो रहेगी. अगर x की वैल्यू लेस देन जीरो हो गई तो फंक्शन हमारा डिफाइन ही नहीं है, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स का जब रूट लेते हैं तो फिर वो कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है, इमेजिनरी, और हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं रियल थिंग्स. ठीक है, तो अगर रूट एक्स है तो हम कंडीशन लगा देंगे कि x हैज टू बी ग्रेटर देन जीरो और इक्वल टू, ये अपना इक्वल टू हो सकता है. एग्जाम्पल ऑफ रिलेशन. ओके, सर्कल का इक्वेशन क्या होता है अद्विक? सर्कल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन, राइट? तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन जो है वो है ना रिलेशन है, वो फंक्शन नहीं है. सर इट शुड बी रिलेशन बिकॉज इफ यू टेक फोर देन वी कैन राइट रूट ऑफ प्लस माइनस टू. क्या चीज? सर इट शुड बी रिलेशन बिकॉज इफ यू टेक फोर देन वी रूट ऑफ फोर इज प्लस माइनस टू. नहीं, उसका आउटपुट दीज आर द पॉसिबिलिटीज. नहीं नहीं, दीज आर द पॉसिबिलिटीज. वैल्यू तो एक ही आएगी ना, या तो माइनस टू होएगी या प्लस टू होएगी, अलग अलग थोड़ी होएगी. हाउ अद्विक, किस चीज के लिए हाउ? सर्कल के लिए. हाँ चलो, अभी कहते सर्कल का डायग्राम बनाता हूं.
हाँ भाई हेलो आ गए। तो पहले एक क्वेश्चन आद्विक ने पूछा था कि सर रिलेशन का एग्जांपल। तो सपोज एक मैं एग्जांपल लेता हूँ सर्कल, क्या होता है सर्कल का इक्वेशन आता है, व्हाट इज सर्कल, ये होता है ना कुछ ऐसा होता है सर्कल, ये सपोज एक सर्कल है जिसका ओरिजिन जो है वो सेंटर है, नहीं जिसका जो सेंटर है वो मान लो ओरिजिन है, ये हमारे पास में एक्स एक्सिस, ये हमारे पास में वाई एक्सिस। तो अगर तुमसे कोई पूछा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सर्कल, क्या होता है सर्कल, लोकस ऑफ ऑल द इक्विडिस्टेंस पॉइंट, यस, तो मतलब कि इस पॉइंट से जो हमारा सेंटर है, इस पॉइंट से कोई भी यहां पे मैं ले लूं पॉइंट, एनी पॉइंट ऑन दिस जो भी है मेरे पास में स्ट्रक्चर बना है। हाँ इसके ऊपर मैं आता हूं अभी वेदांत, जो तुम बता रहे हो ना रूट एक्स वाला, उस पर आता हूं अभी, पहले ये बता दूं। तो सपोज इसके कोऑर्डिनेट मेरे पास में एक्स वाई है, तो बताओ यहां से यहां का डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस, डिस्टेंस एक्स वाई, अगर उसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से यहां का डिस्टेंस एक्स, यहां से यहां का डिस्टेंस वाई, तो वो जो है डिस्टेंस पॉइंट, सपोज इसको ओ बोल दिया, इसको पी बोल दिया, तो ये अपना हाइपोटेनियस बन गया ना। तो हाइपोटेनियस क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सपोज ये जो डिस्टेंस है इसको मैंने आर बोल दिया, तो ये जो कंप्लीट चीज है ये बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। क्या ये फंक्शन है, यस और नो, नो, क्योंकि अगर मैंने सपोज एक्स की वैल्यू ये वाली ले ली, तो इस एक्स की वैल्यू के लिए वाई के मेरे पास कितने वैल्यू आ रहे हैं, एक वाई यहां पे आ गया, एक वाई यहां पे आ गया, सो दिस इज नॉट ए फंक्शन, सो इसको बोलते हैं रिलेशन। ये मेरे पास ये है रिलेशन है, ठीक है। अब जैसे कि अब सिंपल वाला एग्जांपल इसी को लेते हैं, ये वाला पॉइंट मेरा ओरिजिन है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0, r, इसके कोऑर्डिनेट 0, -r, तो हम बोलेंगे 0 जो है वो इस टाइप से अपना रिलेटेड है, 0, -r, 0, r, दिस इज द रिलेशन, ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि अगर एक x की वैल्यू के लिए मेरे पास y की दो वैल्यूज आ रही हैं, तो सेम थिंग। किसने पूछा था ये, हाँ वेदांत, अभी हम सपोज वेदांत हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स, अब इसके ऊपर थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट करते हैं, क्या ये फंक्शन है, यस और नो, कितने लोग ये यस बोल रहे हैं, हैंड रेज करो, ऋत्विक यस, वरुण यस, हर्षिता नो, और कम कम कम, 34 बच्चे हो यार, व्योम यस, आद्विक यस, आगे हृदय यस, अमृत यस, नहीं ये थोड़ा सा डिबेटेबल है। जैसे एक चीज होती है कि स्ट्रिक्टली अगर मैथमेटिक्स की बात करूं, स्ट्रिक्टली मैथमेटिक्स, तो मैं इसको बोलूंगा नॉट ए फंक्शन, क्यों, सपोज मैंने तुमको x की वैल्यू 4 दी, तो मेरे पास जो fx की वैल्यू है वो कितनी आएगी, -2 और +2, तुम बोलोगे सर एक ही इनपुट के लिए मेरे पास में दो आउटपुट आ गए, देखो हमने इनपुट एक ही दिया, उसके आउटपुट है ना दो आ गए, ठीक है। हाँ तो ये मेरे पास में तुमने अगर बाई डेफिनेशन जाऊं तो ये यहां पर चला जाएगा, लेकिन एक चीज होती है जनरली हम कुछ काम में लेते हैं, जनरली हम एक चीज काम में लेते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल रूट, ठीक है, प्रिंसिपल, भाई ये हमारे पास रूट है ना, तो नाउ आई विल सी कि ये फंक्शन कहां पे आ रहा है, सपोज ये तुम्हारे मार्क्स पे आ गया या फिर हाइट पे आ गया, हाइट, वेट, विड्थ, लेंथ, वॉल्यूम, डेंसिटी,
तो वो जो फैक्टर्स हैं उसमें मुझे पता है कि इनकी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, तो वहां पे सिर्फ मैं क्या वैल्यू लेऊंगा पॉजिटिव। जैसे अपने एग्जांपल एक लेता हूं, सबसे सिंपल एग्जांपल लेता हूं, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर, सपोज एक फंक्शन है एरिया, क्या होता है? एरिया स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर, राइट? जो भी उसकी साइड है उसका स्क्वायर। सपोज मैंने बोल दिया साइड इक्वल टू एक्स। अब सपोज मैंने तुमको बोल दिया कि आई हैव स्क्वायर ऑफ 25 मीटर स्क्वायर, तो बताओ उस स्क्वायर की जो साइड होगी वो क्या होगी? व्हाट विल बी द साइड? मीटर। प्लस 5 और माइनस 5? प्लस 5, ठीक है। क्यों भाई? आई नो कि स्क्वायर की जो साइड है वो माइनस में हो ही नहीं सकती है, इसीलिए इसको बोलते हैं प्रिंसिपल रूट। कि हमको स्ट्रिक्टली मैथमेटिक्स में नहीं जाना है, थोड़ा सा हमारा दिमाग भी लगाना है कि भाई माइनस जो चीज है वो वहां पे कोई सिग्निफिकेंस है कि नहीं है। तो मैं यहां पे बोलूंगा कि -5, भाई स्क्वायर मेरे पास में है, -5 मीटर साइड का क्या मतलब हुआ? सेंसलेस चीज है ना वो। तो जब हमारे पास में इस टाइप की चीजें आती हैं तो हम यहां पे इसको फंक्शन बोल देते हैं। ठीक है आद्विक, व्हाट द पॉइंट? यस। तो इफ आई विल गो बाय डेफिनेशन ओनली, मैं नंबर्स में खेल रहा हूं, मैं उसको यानी रियलिटी से कंपेयर ही नहीं कर रहा हूं, तो मैं बोलूंगा कि नहीं है फंक्शन। बट इफ आई विल कम टू द रियल वर्ल्ड जहां पे मुझे चीजें सॉल्व करनी है, तो मुझे पता है कि -5 इज नॉट मेकिंग एनी सेंस, तो मैं कह दूंगा ठीक है उसको डिच मारो, हमारे पास में आंसर एक ही आएगा और वो आंसर मेरे पास में रियल है, तो मैं कह दूंगा कि ओके फाइन दिस इज अ फंक्शन। ठीक है अब देखो, सपोज एक फंक्शन को ने ड्रॉ कर दिया हमने, एक फंक्शन को अपने ड्रॉ कर दिया ऐसे। तो सपोज मेरे पास एक फंक्शन है एफ एक्स, इस फंक्शन को हमने कर दिया ड्रॉ, ये हमारे पास में एक्स, एक्स इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब इस लाइन के ऊपर आई विल टेक एनी वैल्यू विच एवर आई वॉन्ट। बट जो एफ एक्स की वैल्यू है, अगर मैं इस पॉइंट पे मैं इसको लिख रहा हूं, मैं एफ एक्स को लिख रहा हूं, तो एफ एक्स तो गड़बड़ चीज है, एफ एक्स इसके कंट्रोल में है कि तुम मुझे कौन सा फंक्शन दोगे ताकि मैं तुमको आउटपुट दूं। सपोज हमारे पूरा कैलकुलेशन किया और हमारे पास कुछ ऐसा फंक्शन आ गया ये, तो इसके अंदर कोई भी एक पॉइंट लिया, सपोज यहां पे एक मैंने पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट को अगर मैंने बोला एक्स नॉट, तो ये जो हाइट आएगी, ये हाइट क्या आएगी, इसकी वैल्यू क्या रहेगी? एफ एक्स नॉट। भाई फंक्शन के अंदर एक्स नॉट को डाल दो और जो भी वैल्यू आएगी आ जाएगी, हमें क्या पता फंक्शन कैसा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है, पॉलिनोमियल है, हमको नहीं पता। वो तो जब फंक्शन एक्चुअल हमारे सामने आएगा तो हमको पता लगेगा। अब इस ग्राफ को एनालाइज करने में सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज जो सबसे पहले हम पढ़ते हैं उसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। जैसे इसका जो वर्ड है वो वर्ड को थोड़ा सा ध्यान से देखो तो क्या आ रहा है? डिफरेंशिएशन, अगर शॉर्ट में बोलोगे तो क्या बोलोगे? डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल, या फिर कोई भी दो वैल्यूज हैं उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, देन आई विल गेट द डिफरेंस। तो यहां पे देखो हमने क्या किया, सपोज एक पॉइंट मैंने यहां पे ले लिया, इस पॉइंट को मैंने बोला ए, एक पॉइंट मैंने यहां पे ले लिया, इसको पॉइंट को मैंने बोल दिया बी, इन दोनों पॉइंट के लिए ये तो वैल्यू हो गई मेरे पास में सपोज x1, तो इसकी हाइट कितनी आएगी? ये वाली हाइट, ये जो हाइट है ये हाइट क्या बन जाएगी? एफ एक्स वन, मतलब कि उस एक्स वन को फंक्शन में डाल दूंगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। ओके, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया सपोज
एक्स टू, तो इसके रिलेटिव जो हाइट आएगी मेरे सामने ये क्या बन जाएगी, एफ एक्स टू, राइट। अब मैंने ए और बी पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन करो, ये स्ट्रेट लाइन है, मतलब थोड़ा सा अच्छी नहीं बनी लेकिन ये स्ट्रेट लाइन है। तो व्हाट इज ए बी लाइन, ए बी लाइन को क्या बोलते हैं, सपोज तुम्हारे पास में कोई ये है एक सर्कल, इसमें एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ये लाइन ए, लाइन बी, लाइन ए इज कॉर्ड, ओके, और सिकेंड बोलते हैं बेटा इसको। कॉर्ड का मतलब होता है हर्षिता ये अंदर वाला पार्ट, बस ये इतना पार्ट, इसको कॉर्ड बोलते हैं, ये पॉइंट जो यहां से स्टार्ट होएगा और यहां तक जाएगा। लेकिन अगर इसी लाइन को मैं एक्सटेंड कर दूं पूरा, तो इस लाइन को बोलते हैं सिकेंड, ठीक है। और ये जो लाइन है ये वाली दूसरी वाली, इसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट। अब इन दोनों लाइन की इंपॉर्टेंस है, तो पहले इस ग्राफ में देखते हैं, ये जो लाइन है ए बी, ये क्या है, सेकेंट है या फिर टेंजेंट है, सेकेंट, बिकॉज इट इज क्रॉसिंग द ग्राफ एट टू पॉइंट। देखो दो पॉइंट पे करेगी तो कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्शन आएगा उसका बीच में, मतलब कोई तो उसका एक सेगमेंट है जो कि ग्राफ के अंदर है, तो ऐसी लाइन को बोलते हैं सेकेंट। अगर इसी लाइन पे मैं थोड़ा सा इस लाइन को यहां पे लेके आऊं, नीचे की तरफ लेके आऊं, इस लाइन को नीचे की तरफ लेके आऊंगा, तो कभी ना कभी तो ये लाइन बन जाएगी ना टेंजेंट। जैसे इसी लाइन को पहले यहां थी, फिर मैं यहां लेके आ गया, फिर मैं इसको और नीचे लेके आ गया, और फिर मैं इसको यहां लेके आ गया, तो अल्टीमेटली कभी ना कभी तो जो मेरी सेकेंट है वो क्या बन जाएगी, टेंजेंट बन जाएगी। तो वैसे यहां करेंगे, तो ए बी लाइन जो है, ए बी लाइन इज सेकेंट, ओके, ये जो ए बी लाइन है, इस ए बी लाइन का स्लोप बताओ क्या होगा। स्लोप मैंने तुमको बताया था लास्ट क्लास में कि क्या होता है स्लोप, स्लोप, स्लोप ऑफ एनी लाइन, स्लोप का मतलब होता है टेन थीटा, ठीक है। तो जैसे कि इस वाले को अगर मैं ऐसे मिला दूं, ये बन गया राइट एंगल ट्राइंगल, ये एंगल हो गया 90 डिग्री, ठीक है। तो ए बी और इस पॉइंट को सपोज मैंने बोल दिया सी, तो इन ट्राइंगल ए बी सी टेन थीटा, वेयर थीटा इज एंगल मेड बाय द एक्स एक्सिस, ये एंगल थीटा है टेन थीटा। तो बताओ इस ट्राइंगल के अंदर टेन थीटा क्या बन जाएगा, ये वाली हाइट यहां से लेकर यहां तक की हाइट। तो ये जो हाइट है ये क्या है, ये इतनी सी हाइट, एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन, कंप्लीट हाइट कितनी थी, एफ एक्स टू, और जो ये वाली हाइट है ये कितनी थी, एफ एक्स वन, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये आ जाएगी। वैसे ही यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, ये वाला एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, दिस इज द स्लोप ऑफ सेकेंट। देखो हमें ऊपर क्या हो रहा है, डिफरेंस इन एफ एक्स ना, डिफरेंस कर रहे हैं ना, माइनस कर रहे हैं, यहां पे क्या हो रहा है, डिफरेंस इन एक्स। तो इसको हम बोलते हैं, एक सिंबल काम में लेते हैं, ये वाला डेल्टा, इसको बोलते हैं डेल्टा, बोलते हैं ट्राइंगल को। तो डिफरेंस इन एफ एक्स अपॉन डिफरेंस इन एक्स। अब कोई स्मार्ट इंसान ऐसे मत कर देना कि ऊपर के ये जो है ना डेल्टा से नीचे वाले डेल्टा को कट कर दो, सर मैं एफ एक्स अपॉन एक्स आ गया है, तो नहीं नहीं भाई ऐसे काम मत कर देना। तो ये जो सिंबल है डेल्टा, इसका मतलब होता है, यहां पर लिखूं, हाँ ये, इसको बोलते हैं डेल्टा, डेल्टा का मतलब होता है डिफरेंस, डिफरेंस कोई भी चीज में डिफरेंस। सपोज मैंने लिखा डेल्टा एक्स, तो इसका मतलब हुआ डिफरेंस इन एक्स,
कोई भी चीज में डिफरेंस क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो मैं लिखूंगा x फाइनल माइनस x अपना इनिशियल, ठीक है। जैसे पहले तुम्हारे पास में 100 रुपीज थे, बाद में तुम्हारे पास 150 रुपीज हो गए, तो व्हाट इज द डेल्टा रुपीज, मतलब कि डिफरेंस इन रुपीज, तो यू विल से 150 माइनस 150, ठीक है। तो ऐसा जो हमारा डिफरेंस होता है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से। लेकिन सपोज डिफरेंस बहुत ही छोटा है, जैसे तुमको मैंने एक नंबर दिया x1 इज 1 सपोज, एक अपने एग्जांपल के लिए, और फिर मैंने तुमको दिया x2 इज 1.000001। अब बताओ व्हाट इज अ डेल्टा x, क्या आएगा डेल्टा x? चिंतन तुम्हारा कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, ऋत्विक? यस ऋत्विक बेटा, तुम्हारी कैलकुलेशन यार मतलब ऐसी कैसी है, 0.9999 कैसे आ गया? हाँ मॉन्ग, सही है सही है सही है। अब देखो, हाँ ये नंबर बहुत ही छोटा है ना, ये देखो इसकी जो तो वैल्यू आएगी, अब मैं लिखूंगा x2 माइनस x1, एंड x2 माइनस x1 इज वेरी स्मॉल, दिस इज वेरी स्मॉल। भाई अगर तुमसे कोई बोले कि तुम्हारे पास में 1 करोड़ रुपीस थे और 1 घंटे बाद में 1 करोड़ 1 रुपीस हो गए, तुमसे कोई बोले कि यानी कितना डिफरेंस हो गया, तो क्या बोलोगे कि यार कुछ नहीं हुआ ना, सब कुछ उतना ही तो है। अगर 1 करोड़ के सामने 1 क्या है, कुछ भी नहीं है ना। तो वैसे ही यहां पे क्या है, 1 के सामने ये नंबर तो कुछ भी नहीं है। तो इसको बोलते हैं इनफाइनाइटली स्मॉल नंबर, मतलब कि जैसे मतलब इनफाइनाइट जो वर्ड होता है, इनफाइनाइट का मतलब होता है वेरी बिग नंबर। तो इनफाइनाइटली स्मॉल नंबर का मतलब क्या हुआ कि जितना वो बड़ा था ये उतना ही छोटा है। तो ये मेरा जो नंबर है दिस इज इनफाइनाइटली स्मॉल नंबर, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूं कि दिस इज अप्रोक्सीमेटली 0, अप्रोक्सीमेटली 0 है, दिस इज नॉट 0, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं कि इफ डेल्टा एक्स अप्रोक्सीमेटली, ये तो सिंबल होता है अप्रोक्सीमेटली 0 बट नॉट इक्वल टू 0, मतलब एग्जैक्टली 0 नहीं है। तो इसी चीज को हम रिप्रेजेंट करते हैं इससे, dx। तो ये जो dx है इसका मतलब होता है कि जो डिफरेंस इन x है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल, मतलब कि जो dx है इसका मतलब हुआ कि डिफरेंस इन x इज वेरी 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 स्मॉल, टेंस टू जीरो बट नॉट 0, 0 के आसपास है, वैल्यू बहुत छोटी है बट 0 नहीं है। जैसे कि 1 करोड़ के सामने 1 जो नंबर है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 0, यार फर्क नहीं पड़ता ना, किसी के पास में 1 करोड़ रुपए हो, 1 करोड़ 1 रुपीज हो, क्या फर्क पड़ता है, बट डिफरेंस है चाहे वो बहुत छोटा हो। उसको मैं इग्नोर कर सकता हूं मेरे कैलकुलेशन पर्पस के लिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं कह सकता ना कि यार वो 0 है। सो दिस इज द होल डिफरेंस बिटवीन डेल्टा एंड डी, कि इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, और इसी डिफरेंस को क्रिएट करेंगे हम अभी। यही डिफरेंस हमें बताएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिकेंट एंड टेंजेंट, यहीं से वो डिफरेंस आएगा मेरे पास में, ठीक है। इसको नोट डाउन करो और फिर अपन थोड़ा सा टेंजेंट के बारे में और पढ़ते हैं, जाना मत।
हेलो। तो अभी हमने देखा कि डिफरेंस बिटवीन किस में, स्मॉल डी एक्स जो अपना डेल्टा एक्स था और अपने डी एक्स में, तो उसी यहाँ डायग्राम के अंदर अपन आते हैं, फिर से आते हैं। ये हमारे पास में एक्स एक्सिस, ये हमारे पास में एफ एक्स, और कोई हमारे पास में इस टाइप का कर्व था जो अभी हमने किया था। तो पहले जो हमारे पॉइंट थे वो यहाँ वाले थे, एक पॉइंट यहाँ था, एक पॉइंट यहाँ था, दोनों पॉइंट को मिलाया था तो हमारे पास सेकेंड आई थी। अब मैं क्या करता हूँ, सपोज मैंने एक पॉइंट यहाँ पे लिया, और अब मेरा जो टारगेट है वो है कि आई वॉन्ट टू ड्रॉ ए टेंजेंट। तो सपोज इस पॉइंट को अगर मैं ये ले लूँ, इस पॉइंट को सपोज मैंने बोल दिया एक्स। पहले तो ये बताओ कि जैसे ये लाइन है, इस लाइन को अगर मैं धीरे धीरे नीचे लेके आऊं, ये, तो मेरा जो x2 माइनस जो x1 है उसकी वैल्यू में क्या फर्क पड़ेगा, डिक्रीज होगी इंक्रीज होगी? अगर इस लाइन को मैं धीरे धीरे यहां पे लेके आऊं, नीचे लेके आऊं, सपोज अभी यहां पे है, थोड़ी देर बाद में यहां पे आ गई, तो मेरा जो x2 माइनस x1 है उसकी वैल्यू में क्या हो रहा है, कम हो रहा है बढ़ रहा है? अद्विक वेदांत, यस, देखो ना डायग्राम के अंदर ही दिख रहा है। तो जैसे जैसे ये लाइन टेंजेंट बनने की तरफ जा रही है, यहां पे बनेगा टेंजेंट नीचे, तो जैसे जैसे इसका जो मूवमेंट है वो टेंजेंट की तरफ होने वाला है, वैसे वैसे x2 माइनस जो x1 है उसकी वैल्यू भी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो मैंने क्या किया, एकदम छोटे वाला ले लिया। देखो मैं यहां पर आ गया, ये पॉइंट, एक पॉइंट मैंने यहां लिया, एक पॉइंट मैंने यहां लिया, और मैंने बोला कि डिफरेंस बहुत छोटा है। ये पॉइंट अगर x है तो इस पॉइंट को मैंने बोला x प्लस dx, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया, ये वाला dx, स्मॉल dx, बिकॉज डिफरेंस इज वेरी वेरी स्मॉल। अब देखो छोटा सा कहते ट्राइंगल बनाते हैं, अब ये देखो, तो ये जो हाइट आएगी, इस पॉइंट की हाइट कितनी है, f ऑफ x प्लस dx, क्योंकि अभी यहां पे मेरा इनपुट कितना है x प्लस dx, इस पॉइंट की हाइट कितनी है f ऑफ x। तो ये जो मेरा बना ट्राइंगल बना, इसमें अगर इस पॉइंट को a बोला, इसको b बोला, तो अगर a और b को अगर मैं ज्वाइन कर दूं, ये मैंने ज्वाइन कर दिया, तो ये जो लाइन है ये तो मतलब कि ऑलमोस्ट क्या बन गई है, टेंजेंट बन गई है ना। देखो अब ये लाइन कर्व को दो पॉइंट पे कट नहीं कर रही है, वो टेंजेंट बन गई है। तो अब अगर इस वाले एंगल को मैं थीटा बोल दूं, तो अब मैं बोलूंगा कि ए बी लाइन, ए बी लाइन इज टेंजेंट। कब टेंजेंट कब बनेगी, व्हेन ये जो पॉइंट है मेरे पास में, ये पॉइंट P बोल दिया, ये पॉइंट Q बोल दिया, व्हेन पॉइंट P एंड Q आर वेरी क्लोज। वेरी क्लोज मतलब कि उनके बीच का जो कोऑर्डिनेट का जो डिफरेंस है दैट इज वेरी स्मॉल। तो अब इस ट्राइंगल में देखो, छोटे वाले ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल के अंदर व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये वाली हाइट अपॉन ये वाला बेस। तो हाइट तो हमने थोड़ी देर पहले देखी थी, तो हाइट मेरे पास में क्या आई थी, एफ ऑफ एक्स प्लस डी एक्स माइनस एफ एक्स, क्योंकि यहां पे एक्स टू मेरा क्या बन गया है, एक्स प्लस डी एक्स अपॉन एक्स प्लस डी एक्स माइनस एक्स, एक्स टू माइनस एक्स वन, क्या क्या बन जाएगा, ये क्या है, डिफरेंस इन एफ एक्स। सो दिस इज डिफरेंस इन एफ एक्स, इसको बोलते हैं डी, स्मॉल डी का मतलब क्या हुआ, जब एक्स के अंदर डिफरेंस बहुत छोटा है तो वाई के अंदर भी डिफरेंस कैसा होगा, बहुत छोटा ही होगा। तो ये हो गया डिफरेंस इन एफ एक्स अपॉन, ये कितना बन जाएगा, डी एक्स। तो अगर इसको मैं इंग्लिश के टर्म में बोले तो क्या बन जाएगा, इसको हम बोलते हैं स्लोप, स्लोप इक्वल टू टेन थीटा। स्लोप के लिए सिंबल हम काम में लेते हैं स्मॉल एम, ठीक है।
तो ये बन गया डिफरेंस इन एफ एक्स अपॉन डिफरेंस इन एक्स, मतलब फंक्शन की वैल्यू में डिफरेंस अपॉन जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी वैल्यू में डिफरेंस, इसी चीज को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। यही हमारा डिफरेंस। यही डिफरेंशिएशन है कि डिफरेंस इन एफ एक्स अपॉन डिफरेंस इन एक्स एट पॉइंट बी एक्स प्लस डी एक्स। सर दिस शुड बी पॉइंट नॉट ओनली एफ, क्या बोल रहे हो बेटा, एट पॉइंट बी, ओके एक्स प्लस डी एक्स दिस शुड बी द पॉइंट नॉट ओनली, यस यार मैं तो सिर्फ उसके उसके बात कर रहा हूँ ना, कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूँ, हाइट, ये हाइट, ये मैं हाइट की बात कर रहा हूँ मैं, हाइट जैसे इसकी हाइट जो हो जाएगी वो ये बन जाएगी, कोऑर्डिनेट नहीं लिख रहा हूँ मैं। हाँ कोऑर्डिनेट तो तुम सही बोल रहे हो, अगर तुम यहाँ पे पॉइंट जो बी है उसके अगर कोऑर्डिनेट लिखोगे तो एक्स प्लस डी एक्स उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट बन जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डी एक्स। वैसे ही पॉइंट जो ए है वो एक्स एफ एक्स, ये हमारे पास में कोऑर्डिनेट है, बट वी आर इंटरेस्टेड इन हाइट क्योंकि मुझे अगर ये निकालना है टेन थीटा, उसमें ऐसा ट्राइंगल बन रहा है ना ये, तो ये जो हाइट है ये वाली हाइट ये बन जाएगी एफ ऑफ एक्स प्लस डी एक्स माइनस एफ एक्स, और ये जो विड्थ है ये बन जाएगी डी एक्स, दिस इज माई टेन थीटा। अब ये जो चीज है इसको लिखने के बहुत तरीके हैं, ठीक है, इसको तुम ये भी लिख सकते हो। अब मुझे जनरली इस एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं ना, तो अगर इस वाले पॉइंट को अगर मैं बोल दूं y2, मतलब इसकी जो हाइट है और नहीं इसको नहीं, ये जो पॉइंट है b, ये इसको अगर मैं बोल दूं y2 तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा y1, ये मेरे पास क्या बन जाएगा x2, ये मेरे पास क्या बन जाएगा x1। तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूं कि dy वाई बाई डी एक्स, मतलब डिफरेंस इन y अपॉन डिफरेंस इन x। तो अल्टीमेटली चीज वही है, लिखने का बस मेथड है, ठीक है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं f डैश x से, मतलब कि फंक्शन को हमने डिफरेंशिएट कर दिया है, f डैश x बोल दो, y डैश बोल दो, y डॉट बोल दो, बहुत सारे सिंबल हैं इसके। तो अगर सिंबल की बात करें तो इसको ये भी बोलते हैं f डैश x, d अपॉन एफ एक्स अपॉन डी एक्स और y डैश और y डॉट, इसके ऊपर एक सिंगल डॉट। इन सब का मतलब एक ही है कि भाई हमें फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। और क्या मतलब हुआ डिफरेंशिएशन का, सर एफ एक्स इक्वल टू डी वाई कहां पे, एफ एक्स इक्वल टू डी वाई, वेदांत क्या बोल रहे हो, वेदांत इन द लास्ट स्टेप, नहीं देखो जैसे सपोज मेरे पास एक फंक्शन है एफ एक्स, इसको मैंने बोला मैं एक्स प्लस टू, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमारे पास में एक्स की वैल्यू वन है तो मतलब एफ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी थ्री, तो ये मेरा कितना है एफ एक्स, तो मैं अपनों ने हमने इसी को बोल दिया वाई एक्सिस, ऐसा लिख सकता हूँ ना वाई, वाई इक्वल टू एक्स प्लस टू, मतलब कि जो ये वाला एक्सिस है इसके ऊपर मैं इसकी जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो कंप्लीट जो मेरा एफ वाई था, ये जो एफ वाई है इसको मैंने रिप्लेस कर दिया वाई से, ये ठीक है। अब देखो ये आ गया कि डिफरेंशिएशन होता क्या है, तो किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन फाइंड करने के लिए हमको ये चीज पता करनी है। अब इस चीज को फाइंड करने के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है, तो उसमें से एक सिंगल मेथड तुमको आज बताऊंगा, बाकी फिर अपने बाद में करेंगे, ठीक है। तो जैसे अगर तुम्हें बोला जाए कि सपोज एक एग्जाम्पल, सबसे अपने सिंपल वाला एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल
सपोज मैंने तुमको फंक्शन दे दिया वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर और हमको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, ये हमको फाइंड करना है. हाउ मैनी ऑफ यू नो हाउ टू फाइंड दिस? कितने लोगों को पता है? हाँ, तो हमारे हम एक काम करते हैं, फॉर्मूला पे चलते हैं. हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? जो डी वाई बाई जो डी एक्स है उसका मतलब क्या होता है? डिफरेंस इन वाई अपॉन डिफरेंस इन एक्स. तो मतलब कि वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, ये होता है. ये हमारा जनरल फॉर्मूला है. लेकिन हमको यहां पे क्या दिया हुआ है? स्मॉल डी. स्मॉल डी का मतलब क्या होता है? स्मॉल डी का मतलब होता है वेरी स्मॉल डिफरेंस. मतलब मैं क्या लिखूंगा कि एक्स प्लस डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. जो मैंने एक्स वन लिया वो मैंने क्या लिया? एक्स. और जो एक्स टू लिया वो क्या लिया? एक्स प्लस डी एक्स अपॉन क्या आएगा? एक्स टू माइनस एक्स वन. तो एक्स टू कितना है? एक्स प्लस डी एक्स माइनस एक्स, ये बन गया. अब बताओ यहां से क्या बनेगा? वन अपॉन डी एक्स. इसके अंदर क्या बनेगा? इसका एक्सपेंशन आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. तो अगर इसको एक्सपेंड करोगे तो, या फिर इसका होल स्क्वायर ओपन कर दो तो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, प्लस डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. कैंसिल हो रहा है कुछ? यस, यहां पे एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया. उसके आगे क्या बचेगा? डी एक्स मैंने कॉमन ले लिया ऊपर से, तो क्या बचेगा? टू एक्स प्लस डी एक्स. और इसके यहां पे क्या है? नीचे डी एक्स. अब ये अपना डी एक्स से अपना डी एक्स कैंसिल हो गया. डी एक्स से डी एक्स को मैं कैंसिल कर सकता हूं क्योंकि डी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, इज अप्रोक्सीमेटली जीरो है. जीरो नहीं है क्योंकि तुम किसी भी इक्वेशन को जीरो से मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर सकते हो, फिर तो तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा. तो फाइनली मेरे पास क्या बच गया? 2x प्लस dx. अब मैं इस dx को जीरो लिखूंगा क्योंकि dx बहुत छोटा है एज कंपेयर टू 2x. 1 करोड़ के सामने 1 रुपीज बहुत छोटा है, तो 2x के सामने dx बहुत छोटा है, तो उसको हमने जीरो पुट कर दिया. तो फाइनली मेरे पास में आंसर क्या आ गया? dy by dx should be equal to 2x. तो हम बोलेंगे कि अगर फंक्शन मेरे पास में एक्स स्क्वायर है, ये है ना, तो इसको ऐसे लिखते हैं कि dy by dx of x square, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या आ गया? 2x. अब इसको लिख दो, चाहे ऐसे लिख दो कि dy by dx या फिर df of x by dx, सबका मतलब एक ही है. तो अगर किसी फंक्शन को डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास में फंक्शन ही आता है. ये भी अपने आप में एक फंक्शन ही है ना, 2x. अगर x की वैल्यू तुमने ना जीरो डाली तो कुछ और आएगा, 1 डाली तो कुछ और आएगा, 2 डाली तो कुछ और आएगा. तो अगर फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो भी एक फंक्शन ही आता है. और डिफरेंशिएशन का फिजिकल मीनिंग क्या है? कि उस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट को अपने ड्रॉ करूंगा तो टेंजेंट जो x एक्सिस के साथ में एंगल बनाएगी थीटा, उस एंगल का टेन. टेन इज बेसिकली शॉर्ट फॉर्म ऑफ एन टेंजेंट, तो इसीलिए इसको यूज में लेते हैं हर जगह पे. ओके, तो अभी जो भी तुमको ये करवाया है थोड़ा सा इसको ना रिवाइज करना, और उसके बाद में इसके थोड़े बहुत एग्जांपल और करके देखना. अपने आप से अपने ट्राई करो कि अगर सपोज मैंने फंक्शन तुमको दे दिया एक्स क्यूब, तो उसका क्या होगा डिफरेंशिएशन? हमको फाइंड करना है डी एक्स क्यूब अपॉन डी एक्स, ये हमको फाइंड करना है. ये मान लो तुम्हारा होमवर्क है. ओके, चलो.
बाय बाय, थोड़ा सा रिवाइज करना और फिर देखते हैं।